हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सैजाद ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं डीमार्ट शॉपिंग करने। रमज़ान नज़दीक आ गया है तो रमज़ान की शॉपिंग करने जा रहे हैं बेलापुर डीमार्ट में। और आजकल ज़रा थोड़ा ध्यान रखो, आप लोग गर्म पानी करके पियो, ठंडी मौसम की वजह से सबको कोल्ड हो रहा है, गले में खराश हो रही है, तो आप लोग ज़रा ध्यान रखो अपना। और अब हम चलते हैं, चलिए आगे बाहर सेक्टर 17 में। सेक्टर 17 से अभी जाएंगे हाईवे की तरफ, हमारी एक मोटी आपा रहती है, उसको भी देखते हैं साथ में। तो गाइस, तो आ गए हम वो आपा के घर पे, चलते हैं उनके घर पे, देखते हैं क्या कर रहे हैं। बहुत लेट करते हैं लोग, बोली तो पहले दो वाले पे रहते हैं, लिफ्ट का तो पता नहीं, पैदल ही चल देते हैं वीडियो से। वो जिस देखते आए कि नहीं घर पे, बाहर गए थे वो, कॉल किए थे निकलने से पहले। अभी देखते हैं बेल बजा के इनका घर। या खुले 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 खुले, वालेकुम अस्सलाम। ये रहा मेरे वो आपा का घर, दिखाता हूँ मैं आपा को। अम्मी कहाँ है? अम्मी तो अंदर कपड़े ड्रेस चेंज कर रहे हैं। अच्छा, टाइम हो गया। ये देखिए भाई, 2 BHK 10,500 में। ये जो आपा है ना, हमारी पापा के बराबर है। आप लोग मतलब बहुत हेल्पफुल है सबके लिए, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है, लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं ये। अभी मैं खाने पे चढ़ जाता था गाइस, खाना खराब हो जाता था। अरे आपा किधर हो? आपा ड्रेस चेंज कर रहे। ठीक है गाइस, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। गाइस यहाँ आके पता चला, मेरी बिल्ली ने बोली कि राशन तो पहले ही ले चुके थे, हमको बस 2-3 सामान लेने का है, तो हमको कुछ ज़्यादा सामान लेना नहीं है रमज़ान का, तो ये आपा को लेने का है रमज़ान का ज़्यादा से ज़्यादा सामान। तो अभी जाते हैं, उनको भी शॉपिंग कराएंगे और उनका सामान लेंगे। हम तो 2-3 सामान के लिए जा रहे हैं बेलापुर डीमार्ट में। तो डीमार्ट की एक से एक जो बाय वन गेट वन फ्री रहता है, जितना सब सारा सामान रहता है, वही हिसाब से आपको मैं एक्सप्लोर करूँगा डीमार्ट को पूरे, क्या से क्या रहता है, उनका मार्केटिंग का स्ट्रेटेज क्या है, वो कैसा लगाते हैं, कैसा चुटिया बनाते हैं, वो सब दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। देखो भाई, आपने 5 बजे बुला के, 5 बजे का बोले थे कि 5 बजे निकल जाएंगे, और अभी 6 बजने वाला, अभी तक रेडी नहीं हो, वो भी डीमार्ट जाने के लिए। बस बच्चे ही खाना खा रहे थे, खा के कब का होगा, 1 घंटा अभी तक रेडी नहीं हुए, और बोले थे मुझे 5 बजे आ जाना, 5 बजे निकल जाएंगे। 5:30 से वापस 5:30 बजे बोले। अरे यार, बहुत टाइम लगता है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग है तो दो से सुन लो। जाएंगे डीमार्ट में तो लेंगे कम, देखेंगे ज्यादा, इनका तो यही रहता है। जी नहीं, गाइस अब रेडी हो गए डीमार्ट के लिए, निकलते हैं। धन्नू धन्नू से निकलते हैं, ये लोग जाएंगे बच्चे को, क्योंकि उनको ज़्यादा सामान नहीं आया, क्योंकि ये धन्नों में सामान आएगा नहीं, तो इसके लिए अपने धन्नों में जाएंगे। और ये लोग जाएंगे रिक्शे से सामान लेने के लिए। चलो चलते आगे गाइस, बेलापुर फोर्ट पे, यहाँ पे ट्रैफिक रहता ही रहता है, तो अभी यहाँ से हम लोग लेंगे राइट, फिर 2 मिनट के पे है डीमार्ट आ जाएगा अपना, ये ट्रैफिक खुलने के बाद। फाइनली गाइस हम डीमार्ट पहुँच गए, मुश्किल और मशक्कत के बाद। ये रही पार्किंग, पार्किंग का बहुत लोचा रहता है इधर पे। फाइनली हम पहुँच गए यहाँ से, एंट्रेंस है डीमार्ट का। अभी दिल्ली गई है अपना बैग को लॉक कराने के लिए, तो वहाँ से लाइन लगा के बैग को लॉक कराते, फिर अंदर लेके जाने देते। अंदर अभी देखो रिक्शे से आएगी नहीं, देखते रिक्शे से आएगी नहीं, क्या पता। पहुँचे नहीं अभी तक, देखते हैं बस, याद ही रहेंगे, चलते हैं हम अंदर जब तक उनको आने देते। और ये रहा डीमार्ट जो बेलापुर में पड़ता है, और ये लाइन से सब होटल्स बार वगैरह यहाँ पे, चलते हैं अंदर बेलापुर के अंदर, ये डीमार्ट है, चलते हैं। तो हम अंदर देखते हैं, भैया चेक करेंगे पहले, पता नहीं चेक करते क्या करते, भाई मुझे चेक कर लो, कुछ नहीं है। अरे यहाँ से लेते हैं ट्रॉली, जो इतनी बड़ी ट्रॉली रहती है, शर्म के मारे इसमें कुछ ना कुछ लेना ही पड़ता है। यहाँ से स्टार्ट करते, देखते अंदर की तरफ क्या लेना रहता है। ये फर्स्ट रैक है, सेकंड रैक, थर्ड रैक, टोटल 8 रैक है शायद, 8 रैक की लाइन है। फिर फर्स्ट फ्लोर पे भी है सब कपड़े उपड़े, ये नीचे स्टार्टिंग में सब ऐसे नॉर्मल सामान रहते हैं, ग्रोसरी के, बिस्किट नमकीन वगैरह,
और चाय की पत्ती ये सब रहती है। और ये साइड में मेडिकल भी अवेलेबल है, यहाँ पे अभी नया नया ओपन हुआ है। और यहाँ पे सब काउंटर है, यहाँ पे लाइन से ज़रूरत का जो सामान रहता है वो सब अंदर रखते हैं। तो अंदर अंदर से बाहर तक जाने में इंसान को इतना सामान दिख जाता है तो उसमें उसे कुछ ना कुछ लेता ही है। तो इनके मार्केट का स्ट्रेटजी है, देखो चलते हैं अभी दिखाता हूँ आप लोग को सब रेक का सामान। एक ट्रॉली पकड़ ले तू, चल आ लिया, ट्रॉली पकड़ ले, ट्रॉली मैंने इसको दे दिया हो। अभी चलते अंदर, हम चलते अंदर। ये देखो गाइस चाय की पत्ती है, ये है कुछ 90 रुपीज़ ऑफ है। देखो तो डीमार्ट में आने का ये फ़ायदा रहता है, मिडिल क्लास लोग डर या शर्म के मारे इसके अंदर आते हैं, सब अमीर लोग ही आते हैं। तो इसमें से शॉपिंग करने में बहुत ज़्यादा ही सेव होता है पैसा मार्केट के हिसाब से। तो इसमें आना चाहिए आप लोग को खरीदने के लिए, शर्माना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता है। तो विजिट करना चाहिए आप लोगों को, सब सामान अवेलेबल रहेगा। हैं नहीं ये सही, विदाउट स्किप करते रमज़ान के लिए खजूर थी स्पेशल यहाँ पर रखी है, काजू बादाम है, अखरोट है। इसका प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, आधा किलो का प्राइस है, कुछ इसे लिखा तो नहीं है, डीमार्ट प्राइस है 547 है कुछ, देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा नहीं लाइट की वजह से। सब एक रैक दो रैक तो सिर्फ बिस्किट से ही भरे स्टार्टिंग में, चेंज किए हैं रैक सब वो हिसाब से। ये इधर वेफर नमकीन चूड़ा वूड़ा सब है, इधर एक एक रैक में एक एक, इधर पे भी काजू के पैकेट है सर, देख सकते हैं 669 में है 1 kg। वंडरफुल, ये कौन सा है 359 में 1/2 kg, देख सकते हो गाइस मार्केट के हिसाब से कितना डिफरेंस रहता है इसमें। और पैकेज अच्छी क्वालिटी है सर, बादाम काजू रेट देखो, रेट देख सकते हो बादाम का, ये अखरोट बादाम काजू सब अलग अलग रेट में। देखो भाई 70 रेट है, 40.50 रुपीज़ मार्केट में 46 चल रहा है। इसके लिए यहाँ पे आना चाहिए, 2-4 रुपये हर चीज़ में डिस्काउंट रहता ही रहता है, मार्केट के हिसाब से हर चीज़ में डिस्काउंट रहता है। ये दाल है, दाल देखो, ये तुअर की दाल है, इसका है 152.50 पैसा। ये सेकेंड वाली को तुअर दाल है, ख़त्म हो गई है। 3 डिफरेंट दाल यहाँ पे तुअर की, अलग अलग प्राइस के हिसाब से। बाकी इधर गेहूँ भी रहता है, ये देखो रमज़ान के लिए पापड़, रमज़ान आया तो हिसाब से पापड़ के सब रखे गए, ये गेहूँ है, गेहूँ भी खरीद सकते हैं आप। गेहूँ का रेट है 62 रुपीज़, अलग अलग रेट के 2-3 टाइप के गेहूँ। और यहाँ पर आएगा अपना बासमती चावल जो पुलाव बिरयानी के लिए रहता है, सबका रेट अलग अलग रहता है। ये 98 में बिरयानी तंदूर कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, चावल अच्छे अच्छे है, दाल है। अपने को क्या लेने का था, वटाना देखो ना, तुम तो भाई रमज़ान के लिए वटाना देखना, आटा भी मार्केट के हिसाब से बहुत डिफरेंट रहता है। देख ली, ये 10 किलो का प्राइस है 395, 385, 375, मार्केट में 400, 450, 500 का रहता है। तो इसके लिए बोल रहा हूँ हर चीज़ में मतलब सेव होता है, पैसा सेव होता है, अपनी प्राइवेट गाड़ी रहे तो पैसा सेव हो जाता है। यहाँ पे काले चने के पैकेट है 99, इतना तो चलो इसमें नहीं है, वह किराने पे 100 रुपये है। वटाना, वटाना किधर है देखो, वटाना तो सब राज में है, तो मिक्स है 58 में आधा किलो, तो 96 बताना, ये कबूली चने हैं 147 मार्केट में 200 वटाना, वटाना वटाना दिख रहा ही नहीं यार, मिक्स है वो तो सब हरे वटाने, हरे वटाने दिख गए, मिक्स चना वटाना, खाली वटाने का नहीं लिखा, हरा वटाना 500 ग्राम 64 का हरा वटाना है, सूखा वटाने का प्राइस कितना पता नहीं पड़ेगा, दिख रहा नहीं, इसमें पूछना पड़ेगा किसी को। तो चलते हैं देखते हैं, दिल्ली ने क्या क्या लिया पता नहीं, तो भर रही है, लाइन लगाना पड़ता है इधर काउंटर के लिए, आपा का सामान बहुत ज़्यादा है इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगानी पड़ेगी, हमारा कुछ भी नहीं है इसमें भरती जा रही है। आपा के बच्ची ने पहले ही चॉकलेट उठा ली, ये लोग को कुछ राशन भरे या ना भरे चॉकलेट पहला ले लेते हैं लोग क्या हो गया
तुझे तो दिया, इसके हाथ में ट्रॉली दिया था ना, ट्रॉली कहाँ रख दी, देखो ट्रॉली घुमा दी है। सविता दीदी के पास है, चलो चलो ये देखो नजरुल है। नजरुल चला गया आसाम, आसाम चला गया गांव में। अरे भाई किधर हो, इधर डिमांड आए राशन के लिए, तुम हो नहीं इधर पे, व्लॉग बना रहा तुम हो ही नहीं इधर पे, रहते मस्ती करते जरा। मोबाइल के अंदर मोबाइल है गाइस, इसके लिए ब्लर ब्लर तो दिख रहा है, दुधला दुधला दिख रहा है, वैसे बहुत चिकना है ये। है ना, चलो लेते हैं सामान। अरे ये गाड़ी नहीं है ये देखो, चलो गाइस थोड़ा सामान ले लेते हैं फिर मिलते हैं आपको दिखाते हैं। ये देखो गाइस रमजान स्पेशल रूह अफजा, जो 150 रुपये डिमांड प्राइस है, मार्केट में कुछ 180 का है। मैगी केचप ये सब रहता है, चाइनीज का सब आइटम है, ये बाय वन गेट वन एस एच वन चटनी 200 कितने का है, 600 ग्राम का है, अच्छी रहती है, बाय वन गेट वन मतलब 100 में आएगा। जाइए ना भाई, जाइए जाइए भाई, शाम के टाइम बहुत रस हो जाती है। मैगी नूडल्स ये सब है, सब चाइनीज़ के आइटम वाले रहते हैं, ये सूप सूप है सब यहाँ पे, अलग अलग चीज़ों के आलूदा, बाय वन गेट वन रहता सब। ये सूप है 40 रुपीज़ का फालूदा, देखो 80 में बाय वन गेट वन है, तो यहाँ से भी ले सकते हो, बाकी रेट में खुला हुआ मिलता है बाज़ार में अपने इधर रमजान के टाइम पे। मायोनीज है, गुलाब जामुन रेडीमेड है सब, सेवियाँ, ये चॉकलेट का वो आता ना वो है, ये केवड़ा है शायद, केवड़ा जो पुलाव बिरयानी में डाला जाता है। चलते नेक्स्ट वाले रैक में, दो रैक तो हो गए। इधर पे सब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, जितने आइटम रहते कोल्ड ड्रिंक्स के, देखो कोल्ड ड्रिंक्स के प्राइस दिखाता हूँ आपको सीधा सीधा, 30 रुपये का फ़र्क रहता है, तो पेप्सी का फ़र्क देखो 63 है डिमांड प्राइस, तो मार्केट में 100 रुपये का आता है। ये थम्सअप का देखो, थम्सअप का तो लगा ही नहीं है, ये थम्सअप इधर लगा देखो 67 33 रुपीज़ ऑफ है मार्केट के हिसाब से, इसमें लिखा भी रहता है कितने रुपये ऑफ है। ये 8 छोटे छोटे पैकेट है 125 में, वो 20 का जो मिलता है बाज़ार में वो है, रेड बुल मॉन्स्टर सब आता है, माजा इधर सब कोल्ड ड्रिंक है, बोल रहा ना मार्केट के हिसाब से बहुत सेव होता है पैसा। इधर चॉकलेट है फैंटेसी के, इधर आटे के भी पैकेट है, चावल के भी पैकेट है, पैकेट वाले इधर सब रहते हैं, और यहाँ पे काउंटर होता है जो सील पैक किया जाता है। चलते अभी नेक्स्ट वाले रैक में, मैगी वाले में तो आ गए, इतना रस रहता है क्या बोले। ये देखो भाई इनको 12-14 के सैलरी रहती है, बहुत बढ़ाते सब सामान के हिसाब से, इतने आदमी लोग को रखे रहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से रखे रहते हैं सब, जिसका जो है कंपनी जो रहती है वो कंपनी के हिसाब से रहते हैं। इसमें कॉयल पेपर वगैरह, टिश्यू कॉयल पेपर, क्या भाई क्या बोलते हैं ना वीडियो में भाई देख रहे हैं। इधर पे सब टूल्स वगैरह है, पेंसिल बच्चों की पढ़ाई के लिए, पेन वगैरह, 12% ऑफ है। क्या हो गया भाई, कुछ नहीं भाई, डाल ले क्या भाई, हाय भाई कर दो भाई, सब्सक्राइब कर देना सहजाद ब्लॉग के नाम से, सब्सक्राइब चलेगा, मत करना भाई कोई जरूरत चलता है। इधर ये सब घी है, देसी घी देखो भाई, देसी घी इधर ऑयल के रैक में आ जाते हैं, ऑयल भी कम से कम प्राइस में रहता है बाज़ार में, पाम तेल 120 का है, यहाँ पे देखो अच्छे रिफाइंड से ऑयल रहते हैं, सब अलग अलग प्राइस के हिसाब से, 15 लीटर का है 1650 रुपये में फॉर्चून सनफ्लावर, मार्केट प्राइस देखिए। देखो अभी पब्लिक की रस लगेगी क्योंकि रमजान आने वाला है। ये घी है कुछ 549 में 1 kg, देखिए 98-96 मार्केट के हिसाब से बहुत रहता है। ये राइस का ऑयल है, जेमिनी है, अलग अलग है सब प्राइस के हिसाब से अलग अलग है, 107 116 196 93 108 116 का देखो भाई, मार्केट का 160 है, इधर पे 108 है, सोचो कितना डिफरेंस है। विजिट करना चाहिए यहाँ पे राशन लेने के लिए, शर्माना नीचे मिडिल क्लास लोग शर्म के मारे आते नहीं है, आएंगे जरूरत का अपना बजट बना के आने का,
वो हिसाब से जो लेना होता है वो लेने का। इधर पे सब साबुन वगैरह वगैरह, सॉरी भाई, यहाँ पे सब उसका आइटम है, बाथरूम टॉयलेट का ये सब है। इधर पे बाद में जाते पहला देखते वो लोग इतना सामान लिए क्या लिए क्या नहीं, तो चलते अभी दाल डालने लगे। दाल में पकौड़े पहले से ही रेडी हो चुके हैं। देखो भाई, दाल के पकौड़े पहले से ही रेडी हो चुके हैं, खेलने लगे यहाँ पे। देखो ये सब साबुन, काला हीट, हार्पिक, लाइजोल, वो मतलब घर में यूज के सामान है, हार्पिक है, लाइजोल टूथब्रश, ये सब स्प्रे, ये साइड में सब फ्रिज का सामान आइटम रहता है, चीज़ वगैरह, बटर, सरफ है, सरफ, ये सब स्प्रे स्प्रे के, बाम स्प्रे, तेल, हेयर, मेहंदी, कलर, ये शैम्पू, फेस वॉश, ये सब हैंड वॉश भी है। ये अपना रूम फ्रेशनर है, यहाँ पे बॉडी शेप फ्रेशनर है, ये यहाँ पे बल्ब फ्लिप लगा है, ऐसा सब दो चार रैक में सब अलग अलग लगा हुआ है। ये हैंड वॉश है सब, इधर पे कोलगेट वगैरह रहता है, कोलगेट में भी 10-20 रुपए का डिफरेंस रहता है मार्केट में, सब अलग अलग प्राइस का रहता है यहाँ पर। इसमें GDLJ मिलता है, मंच, दूध, दही, लस्सी, जलजीरा वगैरह, दही भी है बाल्टी में भी है, आइसक्रीम क्रीम अमूल 20 रुपये में देखो, छाछ, तड़का, दही, सब इसमें 8-7 फ्रिज है यहाँ पे बड़ी बड़ी, तो दूध का दही का जितना आइटम है सब मिलता है। पराठा भी रेडीमेड मिलता है यहाँ पे, इडली का हो गया सब रेडीमेड मिलता है यहाँ, पराठा भी रेडीमेड है यहाँ पे, 90 रुपीज़ का कुछ 6 या 7 पीस है ऐसा रेडीमेड, 2 दिन की एक्सपायरी डेट पे रहता है। यहाँ पे सब साबुन वगैरह है, बर्तन धोने के सरफ है, बड़े से छोटे प्राइस के हिसाब से सब अलग अलग है, कम्फर्ट भी है। तो चलते अभी ऊपर, यहाँ का हो गया है, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो ऊपर चलते, थोड़ा कपड़े की उसमें एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। चलो, एक भी जगह नहीं छोड़ते लोग मार्केटिंग करने की, सीढ़ी पे भी सब लगा के रखे हैं, देखो एक भी जगह नहीं है, सब सीढ़ी पे भी सब लगा के रखे हैं। देखो ये सीढ़ी है तो सब लगा के रखते हैं इस पर, ऊपर से यहाँ पे कपड़े, बर्तन, इस्त्री, आयरन, जो जूते होते, चप्पल उप्पल सब रहते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर पे से, थर्ड फ्लोर भी है लेकिन उसको गोडाउन के लिए यूज कर रहे हैं, लिफ्ट है, सामान रहता है लिफ्ट में आने जाने। यहाँ पे लेडीज़ों के भी सामान है, जूते, चप्पल, यहाँ पे किचन के जो रहते हैं सब नॉन स्टिक, स्टील, ये सब का है। इधर पे 2-3 रैक का है, पित्तल के भी है, सब अलग अलग कप्स वगैरह है, चम्मच, देखो भाई चूल्हा, ये चूल्हा ले लो शादी में दे देना, 299 का है, 299 का है, अरे वो गिफ्ट है उसके ऊपर। कुकर भी है, देखो उधर कुकर, इधर नॉन स्टिक वाला है, देखो गाइस, कोल्ड हॉट वाटर बोतल है यहाँ पे, बोतल भी है लाइन से। ये सब बॉक्स, कपड़े वपड़े रखने के लिए, स्क्रैप रखने के लिए, सब डब्बे, घर के मसाले, ग्रोसरी, छोटे छोटे सामान आइटम रखने के लिए रहते हैं यहाँ पे। ये बोतल भी है, बोतल गाइस चेंज करना रहता है, 2-3 महीने में प्लास्टिक की बोतल चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा गलती है पानी यूज करने से, तो इसके लिए प्लास्टिक की बोतल ज़्यादा दिन ये यूज नहीं करना चाहिए, तो चेंज कर देना चाहिए। चलते नेक्स्ट सूच के रैक में, फ़ैन है गाइस, फ़ैन, इधर इस्त्री था, इस्त्री की इस्त्री, छोटा फ़ैन है, बड़ा फ़ैन है, बजाज का फ़ैन है बड़ा, ये बच्चों के न्यू अरावल प्रोडक्ट्स है यहाँ पे, छोटे छोटे क्या है कप, 749 कराई है स्टील की। कपड़े वो साइड में, ये साइड में जूता, चप्पल, बैग्स वगैरह है, ये प्राइस लगा हुआ है लेकिन ये सब का अलग अलग प्राइस रहता है, ये सब कुछ 200 का है। ये लेडीज़ के पड़ते हैं ये सब लेडीज़ सूच के रहते हैं, वो सब जेंट्स के सूच के रहे, 99 की चप्पल है, देखो गाइस सब सूख रहेगी। इधर पे लेडीज़ का है, वो साइड में जेंट्स का है, और मैं कैसा दिख रहा हूँ देखो वीडियो में, हाँ इधर पे फॉर्मल सूज है, कैजुअल सूज है, बूट भी है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, हवाई चप्पल भी है 229 की, देख सकते हो अच्छी वैरायटी है, फॉर्मल सूज भी है ज़्यादा, कैजुअल भी है, तो सब है प्राइस के हिसाब से। बच्चों के भी है 99 के, सब मतलब 200 अच्छा अच्छा मिलता है यहाँ, लेडीज़ों के जूती है कुछ 259 कैजुअल, घर में जो बच्चे पहनते हैं वो भी है, उसका प्राइस नहीं लगा हुआ है। इधर पे मेंस हवाई चप्पल है सैंडल के जैसी, नेपकिन हो गया किचन का,
ये मोब है, मोब मोब है, ये हो गया बैग्स, फैंसी बैग्स है इधर पे, सब डिस्काउंट में है कुछ, मार्केट के हिसाब से तो बहुत डिस्काउंट है। यहाँ पे डस्टबिन वगैरह रखा हो गया है, चेयर भी है, ये सब प्लास्टिक वाले आइटम है इधर पे। ये मोब है इधर, चलते हैं नेक्स्ट वाले रैक में। यहाँ पे कुछ ब्लैंकेट्स, चादर वगैरह रहेगी, सब तकिया चादर ये सब का है, ओनली 21 डस्टर, किचन डस्टर, चादर। ये बेड शीट है 599 में, डबल बेड है, सिंगल बेड है 399 में, ट्रेस घर के बाहर रखते, टेबल के नीचे रखते, वो साइड में कार्टन है। ये देखो गाइस इस्त्री, प्राइस के हिसाब से 499 में भी है इस्त्री, 499 में भी है इधर पे। अभी यहाँ पे टी शर्ट है 100 वाले, 200 वाले, वो साइड में सब ब्रांडेड कपड़े रहते हैं महंगे वाले, तो ये साइड में सब कर्टन है, टावल है, अलग अलग टाइप के टावल है, अलग अलग टाइप के कर्टन है, महंगे है सस्ते सब है, वो डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है आपके। देखो घर में टेबल के नीचे रखने वाला ये क्या बोलते उसको पता नहीं, ये सब भी अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पे प्राइस के हिसाब से 95। अब चलते और नेक्स्ट वाले रैक में, ब्लैंकेट देखो इधर, एकदम मुलायम वाली ब्लैंकेट 499 में, सिंगल है, सिंगल ये 99 में पिल्लो देखो सही है। ये साइड में फॉर्मल मेंस का कपड़ा है सब, बंडी ट्राउजर ट्रैक्स, बच्चों का प्ले का ये है, खिलौने का सब इधर एरिया है, देख सकते हैं आप लोग। गन्ने पर प्राइस तो लिखा नहीं हुआ है, 129 का कोई भी पीस है शायद, ये 129 का बॉल है, फुटबॉल है, 6 इंच बॉल, इंच के हिसाब से प्राइस लिखा हुआ है। ये सब रिमोट वाली है, टेडी भी रखा है सॉफ्ट टेडी, ट्राउजर ट्रैक्स देखो 599 499, क्वालिटी के हिसाब से प्राइस है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे शर्ट्स वगैरह है, हाफ शर्ट फुल शर्ट प्राइस के हिसाब से इसमें लगा गया है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, थोड़ा महंगे भी है ये साइड में, प्राइस देख सकते हो आप लोग। यहाँ जीन्स पैंट है, जीन्स पैंट मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये सब ब्रांड है लेकिन 999 में है, देखते हैं लेने के लिए। इधर फॉर्मल है, इधर ये सब टी शर्ट का एरिया है, ये सब जीन्स वगैरह, ये साइड सब फॉर्मल है, फॉर साइज के हिसाब से सब रैक में रखा हुआ है, फॉर्मल पैंट है इधर पे, तो फॉर्मल भी सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से ले, अच्छा रहता है मार्केट के हिसाब से, सीला सीला कम प्राइस में मिल जाता है शर्ट्स फॉर्मल। ये सब उधर वो साइड में कैजुअल डेनिम शर्ट है, ट्राउज़र है, ये कार्गो वाले ट्राउज़र है, देख सकते हैं आप लोग 9999 में। ये डेनिम शर्ट है सब 799 599। ये सॉक्स है 99 वाली टी शर्ट है, इसमें से लोग बहुत छाट के लेके जाते हैं 129 में, अच्छी भी रहती है सस्ती भी रहती है, तो जिसको बाज़ार में रोड से लेने में शर्म आती है वहाँ से लेके जाता है। देखो डेनिम शर्ट भाई, डेनिम शर्ट है कुछ 599 की है, ये सब शर्ट अच्छी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, ये लोग लगाते हैं ऐसा खूबसूरत कि पब्लिक को पसंद है, वो सब से लेते हैं। साइड में सब लेडीज़ का है, तो अभी देखते हो लोग किधर है, फिर जाते हैं लेडीज़ की तरफ। गाइस इसमें पूरे 19 काउंटर है, 19, 18, 17, 16, 14 तक है, इतने सारे काउंटर है इसमें 19। दिन में बहुत सारे बंद रहते हैं, शाम के टाइम सब चालू हो जाते हैं, रश की वजह से सब चालू कर देते हैं। तो अभी हमारा सामान लेके हो गया है और हम निकलते हैं अभी बाहर के लिए, देखते हैं अभी सामान का बिल करते हैं फिर निकलते हैं बाहर।